क्या बोलना चाहते हैं? बोलिए। मतलब कि मेरा पापा का डेथ हो गया माओवादी के द्वारा 2012 में, माओवादी के द्वारा मेरा पापा का डेथ हो गया। तो मांग किया गया था, उसमें से मांग कुछ पैसा दिया हम लोग को, बट पढ़ाने के लिए भी वो गवर्नमेंट हेल्प करेंगे बोला था। घर हुआ आपका? मेरा खुट्टी है। खुट्टी, अब यहाँ पे किसके साथ आई हैं? अभी मैं तो अकेले आई हूँ। अकेले आई हैं, क्या करती हैं आप? पढ़ाई करती हैं? पढ़ाई करते हैं, बट अभी पैसा का प्रॉब्लम है, इसीलिए कुछ पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। आपका नाम क्या है? सुशीला बोदरा। सुशीला जी, पहले बताइए कि पूरा मामला क्या है? पिताजी की डेथ माओवादियों के आक्रमण के बाद हो गई थी, क्या हुआ था, पूरा कहानी बताइए। मेरा घर में आए वो लोग माओवादी लोग रात में, फिर पापा को गोली मारा, फिर गोली मारने के बाद उसने वहीं पे मतलब कि पूरा उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए भी गाड़ी भी नहीं मिली। फिर बाराती वाला गाड़ी आ रही थी तो उसको रुकवा करके फिर वो लोग भी ले जाना नहीं चाहते थे। फिर वो लोग बाद में तो फिर गांव वाले लोग आए, फिर वो खाली करवाए, फिर उस गाड़ी से ही लेके जा रहे थे, रास्ता में ही डेथ हो गया है पापा का। पिताजी की डेथ जो है वो 8 साल पहले हो गई, तो सरकार से मुआवजा मिला था आप लोगों को? मिला था, बट जॉब के लिए भी मांग किए थे तो गवर्नमेंट ने बोला हाँ जॉब देंगे करके, तो हम लोग को अभी तक जॉब नहीं मिल पाई है। अब क्या चाह रहे हैं सरकार से? हम गवर्नमेंट से हम यही मांग चाहते हैं कि हमें जॉब मिले, ताकि हम अपना पढ़ाई भी और जो भी ट्रेनिंग करना है वो भी कर सके। घर में कौन है आपके? और मम्मी बस है, मम्मी और 4 बहन है और 1 भाई है। तो वो लोग हम कुछ भी अभी नहीं कर रहे हैं, पैसा के कमी के वजह से अभी कुछ नहीं कर पा रहे। तो घर चलता कैसे, पिताजी के डेथ के बाद घर कैसे चल रहा है? घर वही अभी अपना खेती बाड़ी करके ही थोड़ा बहुत इनकम होता है, उसी से हम लोग घर परिवार मम्मी चला। जो मैं समझ पा रहा हूँ कि 4 बहनें 1 भाई और 1 माँ का परिवार आज से 8 साल पहले 2012 में एक माओवादी गतिविधि के कारण अपने परिवार का मुखिया को उन्होंने खो दिया, आपके पिताजी की डेथ हो गई, जिसके बाद सरकार ने कुछ मुआवजा तो दिया लेकिन जो इनकी मांग थी कि परिवार में से किसी एक व्यक्ति को नौकरी मिल सके जिसके बाद परिवार की स्थिति ठीक हो सके और जो 4 बहनों की पढ़ाई है साथ में जो परिवार का भरण पोषण है वो हो सके, लेकिन अभी तक वो चीज़ नहीं हुआ। तो आप कैसी उम्मीद से यहाँ पर आई थी? हाँ, मैं जानी तो यहाँ सरकार आए हैं करके, तो फिर मैं भी सोची कि कुछ बात रखूँ वहाँ पर कि ताकि हमारे परिवार को हेल्प कर सके, ताकि हम कुछ कर पाएँ। किसी से मुलाकात हो पाई आपकी? अभी तक तो किसी से नहीं हो पाई है। आप कौन से क्लास में पढ़ती हैं? अभी मैं इंटर का पढ़ाई कंप्लीट किए हैं, उसके बाद थियोलॉजिकल पढ़ाई करने के लिए गए। अभी कोरोना के लॉकडाउन की वजह से वो भी कॉलेज बंद हो गई, तो अभी ऐसे ही इधर में कुछ कुछ काम। मम्मी क्या काम करती है? खेती के अलावा मम्मी कुछ काम वाम भी करती हैं? हाँ, काम करती है, आंगनबाड़ी में वो काम करती है, खाना बनाती है, बट उसका भी पैसा उसको टाइम पर नहीं मिल पाती है, तो उसके वजह से भी। आपकी 4 बहनें छोटी हैं या बड़ी हैं? आप मेरे से 2 बड़ी है और फिर मैं और मेरी छोटी बहन है और 1 छोटा भाई है। छोटा है भाई, सबसे छोटा है? हाँ, बहन सबसे छोटी है, फिर उसके बाद भाई। मैं सबकी पढ़ाई हो पा रही है कि ऐसा तो नहीं कि किसी को स्कूल छोड़ना पड़ गया? स्कूल भी छोड़ना पड़ा, अभी कंटिन्यू नहीं हो रही है पैसा नहीं होने के कारण, पढ़ाई सब लोग का अभी छूट गया है, नहीं हो रहा। देखिए, ये जो अभी आपको जो बच्ची दिख रही है इंटर में पढ़ती है, नाम क्या बताया आपने? सुशीला बोदरा। सुशीला बोदरा खूंटी से आई हैं, और जब हम यहाँ पर एक साधारण रूप से अपनी यहाँ की स्थिति का जायज़ा ले रहे थे तो ये दौड़ कर हमारे पास आईं, चूँकि इन्हें हमारे पास एक कैमरा दिखा, एक माइक दिखा, तो इनको लगा कि हम जो इनकी जो समस्या है, जो आवाज़ है, ये लोगों तक पहुँच सकेगी इसके माध्यम से, इसलिए दौड़ कर हमारे पास आई और इन्होंने कहा कि आपको कुछ बताना है हमें। और जब हमने इनसे बातचीत की तो फिर एक बहुत ही मार्मिक कहानी सामने आई कि 8 साल पहले इस बच्ची ने अपने पिता को खो दिया, और सिर्फ इस बच्ची नहीं, इस बच्ची के साथ 4 और बहनें, यानी 3 और बहनें और 1 भाई और 1 उनकी माँ है जो घर में रहती हैं। स्थिति ऐसी है कि अब इन्हें पढ़ाई करने के लिए भी पैसे नहीं हैं और मजबूरन इन लोगों को स्कूल की पढ़ाई छूटने की कगार पर है। काफ़ी लोगों की पढ़ाई छूटी भी है आपके परिवार में से। छोटा भाई है, माँ जो है आंगनबाड़ी में काम करती है और किसी तरह खेती बाड़ी करके ये कोशिश कर रही हैं कि अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। कहाँ से खुटी में है? मुरू ब्लॉक, गांव सी अंकिल, जमडा सी अंकिल। फिर से बताइए कौन सा जिला पड़ता, कौन सा प्रखंड पड़ता है? मुरू प्रखंड। कौन सा गांव है? और जमडा सी अंकिल, मुरू प्रखंड का जमडा सी अंकिल, ये गांव है जहाँ पर इनका परिवार रहता है। तो ये एक चीज़ है, एक बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है। इस तरह कितनी तस्वीरें हैं,
ये बच्ची सिर्फ इस उम्मीद में यहाँ पर आई थी कि चूंकि सरकार का यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है तो शायद इसकी बात सुनी जाए, और जो 8 साल से परिवार सफ़र कर रहा है, 8 साल से जो परिवार झेल रहा है, इससे कुछ राहत की उम्मीद में ये यहाँ बच्ची आई थी, और इसलिए सुशीला ने द फॉलोअप के साथ अपनी कहानी शेयर की, साझा की, ताकि इनकी कुछ मदद हो सके।